ब्रिटेन की राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्लैंड में कोरोना वायरस का नया प्रकार स्ट्रेन बेकाबू हो गया है। लंदन की इस बेहद खराब हालत को देखते हुए यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना का यह नया स्ट्रेन न केवल ब्रिटेन बल्कि इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी फैल गया है। इसी गंभीर खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने भी सोमवार को आपात बैठक बुलाई है। ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन पूर्व के वायरस के मुकाबले 70% अधिक तेजी से फैलता है। भारत सरकार को डर है कि अगर यह वायरस देश में आया तो बहुत तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। भारत सरकार के एक सूत्र ने बताया, ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार के चलते इस पर चर्चा के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक DGHS की अध्यक्षता में सोमवार को संयुक्त निगरानी समूह की बैठक होगी। भारत में WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर रोडरिको एच ऑफरेन भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, जो कि JMG के सदस्य हैं। इससे पहले ब्रिटेन की सरकार द्वारा वायरस के नए प्रकार के नियंत्रण से बाहर होने की चेतावनी जारी करने के बाद यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। वहीं ब्रिटेन ने भी रविवार से सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का नया प्रकार ब्रिटेन में संक्रमण को तेजी से फैलाने के लिए जिम्मेदार है। उधर यूरोपीय संघ भी सोमवार को बैठक कर रहा है। उधर ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि यह वायरस ज्यादा घातक या वैक्सीन के खिलाफ अलग प्रतिक्रिया देगा, लेकिन यह 70% ज्यादा संक्रमण योग्य पाया गया है। नीदरलैंड और बेल्जियम ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है, जबकि जर्मनी उड़ानों की संख्या सीमित करने पर विचार कर रहा है ताकि इसका प्रकोप समूचे यूरोपीय महाद्वीप में नहीं फैले। वहीं नीदरलैंड ने ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों पर कम से कम इस साल के अंत तक रोक लगा दी है और बेल्जियम ने मध्यरात्रि से ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों पर 24 घंटे के लिए रोक लगाई है। बेल्जियम ने ब्रिटेन को जोड़ने वाली रेल सेवा भी स्थगित कर दी है। जर्मनी के अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटेन से आने वाले विमानों को लेकर वे गंभीर विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं किया है।